हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसमें हम टू स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, ओल्ड स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड न्यू स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओल्ड स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस करेंगे, एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम करेंगे, बेंथेमाइट, बर्गसन, सैमुएलसन, विल्फ्रेड पेरेटो एंड पिगौ करेंगे। एंड न्यू स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर हम कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया, स्किटोवर्स की डबल क्राइटेरियन, विलियम गॉर्मैन इनट्रांजिटिविटी प्रॉब्लम एंड सैमुएलसन क्राइटेरियन करेंगे। अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं विल्फ्रेड पेरेटो ने क्या कहा था। विल्फ्रेड पेरेटो जो थे, उन्होंने जब सोशल वेलफेयर को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने जनरल ऑप्टिमम कंडीशंस की बात की थी, जो आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में वेलफेयर इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को कंसंट्रेट किया था। कैल्डर हिक्स एंड स्किटोवर्स्की ने कंपनसेशन क्राइटेरिया की बात की थी और उन्होंने अवॉइड किया था वैल्यू जजमेंट टू एक्सप्लेन इट। बर्गसन, सैमुएलसन और जो अदर्स थे, उन्होंने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन विदाउट सेक्रीफाइसिंग वैल्यू जजमेंट। अब हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसको नॉर्मेटिव स्टडी माना जाता है, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है कि एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात की जाती है क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाना चाहिए। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, और जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या है मतलब एक्चुअल है और क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट आ जाती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सजेस्टिव नहीं होती, वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो सजेस्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है कि क्या होना चाहिए। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें वैल्यू जजमेंट के लिए कोई प्लेस नहीं होता है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, यहाँ वैल्यू जजमेंट को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है क्या होना चाहिए। अब एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो हम कहते हैं कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज है, जो कि एक्चुअल है, जो कि एक फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकम इनइक्वालिटीज को कम किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। अब हम सबसे बात करते हैं, पहले बात करते हैं न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स लाइक पिगौ, मार्शल, कैनन और उसके फॉलोअर्स थे, और जो न्यू क्लासिकल थे वो मानते थे कि जो इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, वो नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस चीज की बात की जाती है। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सोशल वेलफेयर को एक और चीज उन्होंने कहा थी, कार्डिनली मेजरेबल यूटिलिटी, कार्डिनल नंबर में उन्होंने यूटिलिटीज की बात की थी, कि जो हमारी वेलफेयर होता है हम उसको नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, कार्डिनली मेजर कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। पिगौवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पिगौ ने कहा था कि जो सोशल वेलफेयर है वो एक मेंटल फिनोमिना है, मतलब वेलफेयर जो है वो एक मेंटल फिनोमिना है। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन, उसका वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कहा था पिगौ ने, पिगौ वेलफेयर इज ए मेंटल फिनोमिना and the element of welfare are the state of consciousness which is made of utilities or satisfaction of human wants। मतलब जितनी satisfaction बढ़ेगी, अगर individuals को लगता है कि उन्हें satisfaction level उनका बढ़ रहा है, it means welfare increase हो रहा है। पिगौ ने differentiate किया था economic welfare and social welfare के बीच में। पिगौ ने ये कहा था कि social welfare जो है वो depend करता है बहुत सारी economic and non-economic activities के ऊपर, और पिगौ के अकॉर्डिंग क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर जो है उसको देख के ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेन फोकस किसको किया था, इकोनॉमिक वेलफेयर, कि उसके सोशल वेलफेयर जो बहुत वाइडर टर्म है और कॉम्प्लेक्स टर्म भी है, तो इसलिए इकोनॉमिक वेलफेयर को ही उन्होंने मेन फोकस किया था कि इकोनॉमिक वेलफेयर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि
वेलफेयर जो है सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है. पिगवियन वेलफेयर इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर बिकॉज ही अज्यूम सोशल वेलफेयर इज ए वेरी वाइड एंड कॉम्प्लेक्स टर्म. पिगव के अकॉर्डिंग वेलफेयर डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एक्सचेंजेबल गुड्स एंड सर्विसेज. पिगव ने दो कंडीशंस दी थी जिसके अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम वेलफेयर हो सकता है. फर्स्ट कंडीशन ये कहा था क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स को इकोनॉमिक मतलब इनकम को बहुत ही ज्यादा फोकस किया था. तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में ये कहा था कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है उनमें कोई चेंज नहीं आता और इनकम इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. और दूसरी कंडीशन में ये कहा था कि अगर इनकम लेवल तो सेम रहता है मगर ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द रिच टू द पुअर विल ऑल्सो इंक्रीज द सोशल वेलफेयर. पिगव ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ एक एजम्पशंस दी थी. फर्स्ट एजम्पशन ये थी कि हर एक इंडिविजुअल है विद लिमिटेड इनकम, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है. दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो भी कंजम्पशन ऑफ गुड्स हम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरपर्सनली एंड इंट्रापर्सनली. और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होती है विद एवरी इंक्रीज इन इट, विच इंप्लाइज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी टू द पुअर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिच. अब जो न्यू क्लासिकल्स थे उनके क्रिटिसिज्म को भी हम देख लेते हैं. न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया है कुछ एक एग्जम्पशन जो उन्होंने दी थी. उन्होंने कहा था कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको कार्डिनल नंबर में हम मेजर कर सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. दूसरा, उन्होंने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कंपेरिजन की बात की थी, वो भी पॉसिबल नहीं है. दूसरा, जो पिगव ने कुछ एक टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज दी थी जो कि एक ग्रेट ऑब्स्टेकल है इन द अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. और नेशनल इनकम इज नॉट द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर. अब हम करते हैं पैरेटो सोशल वेलफेयर. पैरेटो ने जब सोशल वेलफेयर को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस की बात की थी. पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात की थी. ऑर्डिनल यूटिलिटी अजम्पशन मतलब जो सेटिस्फेक्शन है या वेलफेयर है उसको किस तरह से काउंट किया जाता है ऑर्डिनल नंबर्स में. ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड. और दूसरा, उन्होंने फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट मतलब यहाँ वैल्यू जजमेंट को फोकस नहीं किया जाता है. और दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल नहीं है. अब हम डिफरेंस देखते हैं कि जो हमारे न्यू क्लासिकल थे वो क्या कहते थे और पैरेटो जो है वो क्या कहते हैं. देखो, न्यू क्लासिकल ने कार्डिनल नंबर में सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की बात की थी और यहाँ पे किसमें बात की गई है, ऑर्डिनल नंबर्स की बात की गई है. दूसरा, उन्होंने वैल्यू जजमेंट को फोकस किया था, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट को फोकस नहीं किया गया है. यहाँ पे जो न्यू क्लासिकल थे उन्होंने इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कंपैरिजन की बात की थी जबकि पैरेटो ने यह कहा था कि इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. अब हम देखते हैं कि पैरेटो ने यह कहा था कि किस तरह से हम मानते हैं कि सोशल वेलफेयर जो हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है. अगर कोई भी चेंज किया जाता है या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल तो बेटर ऑफ हो जाता है मगर दूसरा जो है उसका कुछ भी वर्स नहीं होता है. मतलब वो जैसा पहले था वैसा ही रहता है. मतलब एक के वेलफेयर या एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी तो बढ़ती है मगर दूसरे की यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो ये माना जाता है इट इज एन इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर. जो पैरेटो का क्राइटेरिया है उसको कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सैमुएलसन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व. अब इस जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है वो है क्या, हम इसको एक डायग्राम से भी देख लेते हैं. सबसे पहले तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड बाय टू पर्संस फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर बंडल ऑफ गुड्स. ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें जो एक्स एक्सिस है इसमें ए की यूटिलिटी शो हो रही है और बी की यूटिलिटी वाई एक्सिस पे शो हो रही है. सी वी जो है यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है. सपोज हम इनिशियली जो पोजीशन क्यू पे है, क्यू ये वाली पोजीशन है जिसमें ए को कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है और बी की यूटिलिटी जो है वो बी है. अब होता क्या है कि सपोज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है जिसकी वजह से क्यू पॉइंट से
मूवमेंट होती है और ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, ई पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, डी पॉइंट पे या एस पॉइंट पे, और ये सारे ही पॉइंट जो है बेटर है देन द क्यू पॉइंट। सपोज क्यू से हम पहले मूव करते हैं आर पे, जब क्यू से आर पे मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, बी का वेलफेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बी से बी वन पे पहुंच जाएगा, ये बी का वेलफेयर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, मगर ए जो है वो सेम पोजीशन पे रहेगा अभी भी देखिए। तो इसका मतलब एक जब हम क्यू पॉइंट से आर पे मूव कर रहे हैं तो बी की तो इंप्रूवमेंट होती हो रही है सोशल वेलफेयर में, मगर ए सेम पोजीशन पे, इट मींस इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। इसी तरह से सपोज हम क्यू पॉइंट से किस पॉइंट पे मूव करते हैं, एस पॉइंट पे मूव करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे रिजल्ट ये होगा कि ए जो है, ए जो इनिशियली ए पोजीशन पे था अब ए डैश पे आ जाएगा, तो इससे ए का तो वेलफेयर क्या होगा, इंप्रूव होगा, मगर बी जो है वो सेम पे रहेगा, बी पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ए क्यू से जब हम एस पे मूव कर रहे हैं तो ए का इंप्रूवमेंट हो रहा है, मगर बी जो है वो सेम पोजीशन पे है, तो इसका मतलब भी इंप्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर सोशल वेलफेयर पैरेटो के अकॉर्डिंग कब इंप्रूव होता है, कि अगर कोई भी चेंज किया जाता है और उस चेंज की वजह से एक इंडिविजुअल के वेलफेयर में इंप्रूवमेंट होती है, मगर दूसरा सेम पोजीशन पे रहता है, इट मींस इंप्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि सी भी जो है यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है और वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है इसमें टू इंडिविजुअल के। अगर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है तो एज ए रिजल्ट मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू टू एस, क्यू टू डी, क्यू टू ई, कहीं पे भी क्यू से यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे कोई भी मूवमेंट होती है तो वो क्या मानी जाती है, सोशल वेलफेयर में इंक्रीज ही माना जाता है। अगर क्यू से आर पे कर रहे हैं तो यूटिलिटी बी की इंक्रीज होती है, मगर ए सेम पे रहता, और क्यू से एस पे की जाती है तो ए की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी और बी सेम पे रहेगा। पैरेटो ने दो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन दी थी, स्ट्रॉन्ग पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन एंड वीक पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन। स्ट्रॉन्ग पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन, इट इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड बाय वन पर्सन एंड नो अदर एलोकेशन वुड बी एज गुड फॉर एवरीवन। एंड वीक पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन, व्हेन अ फेजिबल रीएलोकेशन वुड बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड बाय ऑल एजेंट। अब आ जाते हैं मार्जिनल कंडीशंस ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से करनी है, आगे चल के हम इनको डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट रीड कर लेते हैं कि तीन कंडीशंस हैं क्या। फर्स्ट है एमआरएस एक्सवाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल कंज्यूमर। सपोज दो कंज्यूमर हैं ए और बी और दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं एक्स एंड वाई, तो इनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए के लिए और बी के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर एंड कैपिटल जो दो इनपुट है उनके बीच में इक्वल होना चाहिए इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉमोडिटीज। एम आर टी एस एक्स एल के इज इक्वल टू एम आर टी एस वाई एल के। और तीसरी कंडीशन क्या है, एम आर पी टी एक्स वाई बी इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई फॉर एनी टू गुड्स, और यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, एम आर पी टी एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस बी एक्स वाई। अब ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स बी इक्वल फॉर ऑल कंज्यूमर, इसको हम एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एम आर एस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस बी एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे कौन से इंडिविजुअल है, ए और बी, ए यहाँ पे खड़ा है नीचे और बी यहाँ पे खड़ा है। अब ए की जब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो ए के इंडिफरेंस कर, क्योंकि ए सपोज यहाँ पे ये एचवर्थ बॉक्स है, ए जो है यहाँ पे खड़ा है और बी यहाँ पे है, तो ए की जब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो किस तरफ को जाएंगे इंडिफरेंस कर, ऊपर की तरफ को जाएंगे ये, और बी की सेटिस्फेक्शन जब बढ़ेगी तो वो किस तरफ को जाएंगे, नीचे की तरफ को, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे जहां जहां ये एक दूसरे के टेंजेंट हो गए, ये सपोज पॉइंट हमने ले लिया Q, ये पॉइंट R, ये S और ये T, तो जहां जहां ये पॉइंट एक दूसरे के टेंजेंट होंगे वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई A और B का जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो है दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा।
इसी तरह से दूसरी कंडीशन को भी एजवर्थ बॉक्स से दिखा सकते हैं, जिसमें लेबर और कैपिटल को लेके चलेंगे, और तीसरी कंडीशन भी फुलफिल, मतलब ये तीनों कंडीशन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम से बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, क्योंकि ये जो मार्जिनल कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन नहीं है, मतलब नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन। अब हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन करेंगे। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में क्या कहा गया है कि मार्जिनल कंडीशंस तो क्या है, नेसेसरी कंडीशंस है बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशंस, बिकॉज दीज कंडीशंस डू नॉट गारंटी मैक्सिमम वेलफेयर एंड इवन कैन बी सेटिस्फाइड एट द लेवल ऑफ मिनिमम वेलफेयर। मतलब अगर लेवल मिनिमम पे भी होगा वेलफेयर का, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मतलब इन कंडीशंस को, नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है वेलफेयर इंक्रीज हो गया। The second order conditions require that all indifference curve are convex to the origin and all the transformation curve are convex to it about any portion where marginal conditions are satisfied. उसके बाद पेरेटो ने टोटल कंडीशंस दी थी, तो टोटल कंडीशंस में क्या कहा गया है, इवन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द कंडीशन, मतलब नेसेसरी एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो भी जाती है तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि लार्जर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रहा है। टू अटेन द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर देयर आर अनदर सेट ऑफ कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड विच इज ऑल्सो नोन एज टोटल कंडीशन। मतलब इन दोनों कंडीशन के बाद एक टोटल कंडीशन भी है, अगर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को देखना तो ये कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई होना जरूरी है। टोटल कंडीशंस ये कहती हैं कि अगर वेलफेयर मैक्सिमम पे है तो अगर उसके बाद कुछ भी चेंज किया जाता है तो उस चेंज के होने के बाद हमारा वेलफेयर में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब वेलफेयर इज टू बी मैक्सिमम, इट मस्ट बी इम्पॉसिबल टू इंक्रीज वेलफेयर बाई प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट नॉट अदरवाइज प्रोड्यूस्ड और बाई यूजिंग ए फैक्टर नॉट अदरवाइज प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर हम मैक्सिमम हमारा वेलफेयर हो रहा है तो उसके बाद इम्पॉसिबल है कि अगर हम कोई भी पहले गुड जो नहीं बना रहे थे या कोई फैक्टर जो यूज नहीं कर रहे थे अब यूज करने लगे तो हमारे वेलफेयर में कोई चेंज होगा। मतलब जैसे थे हम उसी पोजीशन पे रहते हैं, तो इसको कहा जाता है कि हम तो मैक्सिमम वेलफेयर पे हैं, अब हमारे वेलफेयर में कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, और ये हमारी टोटल कंडीशन। अब आ जाते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हमें पता है कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही चलती है, तो इसमें तीन जो कंडीशन थी उनको हम डिटेल में कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो गुड्स के बीच में क्या होना चाहिए, सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल हु कंज्यूम देम बोथ। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए का एक्स वाई के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी एक्स वाई के लिए। सपोज हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं ए एंड बी, रेशियो ऑफ प्राइसेस गिवन है, गिवन द प्राइस ऑफ टू गुड्स कंज्यूमर ए विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन व्हेन ही इज बाइंग द गुड एक्स एंड वाई। मतलब अगर हम ए कंज्यूमर की बात करें तो ए कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कब मैक्सिमम पे होगा, तो ए की बात करेंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होना चाहिए, रेशियो ऑफ प्राइसेस जो कि क्या होती है पी एक्स अपॉन पी वाई। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई एम आर एस ए एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसी तरह से बी कब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब वो गुड्स दो गुड्स को किस तरह से कंज्यूम करेगा, जब उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होगा, रेशियो प्राइसेस विच इज पी एक्स अपॉन पी वाई दूसरी इक्वेशन होगी। क्योंकि ये एसेंशियल कंडीशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कि प्राइस ऑफ गुड जो होते हैं वो सेम होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारे कंज्यूमर्स के लिए। द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स इक्वेशन एंड वन एंड टू सेम होगी फॉर ऑल कंज्यूमर, तो हम क्या लिख सकते हैं एम आर एस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस बी एक्स वाई। इस तरह से हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी जो कंडीशन थी एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स। ये कंडीशन ये कहती है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ फैक्टर मस्ट बी द सेम फॉर एनी टू फर्म्स यूजिंग बोथ टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट। मतलब एम आर टी एस एक्स एल के लेबर एंड कैपिटल के लिए इसके इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दूसरी गुड के लिए। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो हम वहां पे हर एक प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है और एमआरटीएस को इक्वल करना चाहता है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल किसके इक्वल विद द रेशियो ऑफ दीज फैक्टर्स, प्राइस रेशियो ऑफ दीज फैक्टर्स।
सपोज दो हमारे पास प्रोड्यूसर है ए एंड बी. प्रोड्यूसर ए जो है वो क्या करेगा, विल इक्वेट एमआरटीएस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल विद देयर प्राइस रेशियो. मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि लेबर एंड कैपिटल के जो प्राइसेस होंगे वो सबके लिए सेम होंगे, सब प्रोड्यूसर्स के लिए. तो एमआरटीएस ए किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. इसी तरह से मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर एंड कैपिटल दूसरे के लिए, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल दूसरी इक्वेशन, क्योंकि प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल दोनों में सेम है. तो यानी अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमआरटीएस एक्स एल के इज इक्वल टू एमआरटीएस वाई एल के. तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी और इस तरह से ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर जो है हम ऑब्टेन कर लेंगे. अब तीसरी कंडीशन क्या थी, ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. ये कंडीशन ये कहती है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एनी पर्सन कंज्यूमिंग बोथ मस्ट बी द सेम एज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन देम. तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, एम आर पी टी एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस बी एक्स वाई. अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो हर एक फर्म इक्विलिब्रियम पे कब होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एम सी इज इक्वल टू पी. परफेक्ट कंपटीशन में यही कंडीशन होती है, मार्जिनल कॉस्ट अगर दो गुड्स हैं तो मार्जिनल कॉस्ट एक्स गुड के लिए इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल कॉस्ट वाई के लिए प्राइस ऑफ वाई. क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड दे आर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी इन सच क्वान्टिटीज दैट MCX upon MCY is equal to price of X upon price of A. ऐसे लिख सकते हैं हम, MCX is equal to PX और दूसरी क्या थी, MCY is equal to PY. और इसको हमने कैसे लिख दिया, MCX upon MCY is equal to price of X upon price of Y. The ratio of marginal cost of two commodities represent the marginal rate of transformation. Marginal cost जो दो commodities की वो किसको show करती है, marginal rate of transformation. तो हम इसको perfect competition में ऐसे भी लिख सकते हैं, MRT XY is equal to MCX upon MCY is equal to PX upon PY. ये first equation हमें मिल गई. अब जब perfect competition होता है तो consumer की बात करें, यहाँ पे किसकी बात की हमने, producer की बात की. अब हम consumer की बात करेंगे तो consumer में क्या होता है, consumer में marginal rate of substitution किसके equal होता है, price of X upon price of Y. दूसरी condition ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, क्योंकि तीसरी कंडीशन में हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की. तो हमारे पास यहां तक इक्वेशन सॉल्व होगी, हमें दोनों इक्वेशन मिल गई, एम आर टी एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और दूसरी कौन सी मिल गई, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई. क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज पी एक्स अपॉन पी वाई होती है, सेम फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों के लिए सेम होगी. तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर टी. तो अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो थर्ड कंडीशन थी, एम आर पी टी एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस बी एक्स वाई, इस तरह से बनी. अब हम देख सकते हैं कि कुछ एक ऑब्स्टेकल्स हैं अटेनमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, और जो पैरेटो ने दी थी उनमें क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं सोशल वेलफेयर को अचीव करने में. क्योंकि पैरेटो ने बात की थी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, मगर हर एक इकोनॉमी में मोनोपोली भी होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, जिसकी वजह से पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं होता कि अचीव कर पाए. दूसरा, एक्सटर्नैलिटीज पाई जाती है, पब्लिक गुड्स होने की वजह से ऑब्स्टेकल आती है अचीव करने में सोशल वेलफेयर को, और लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट. थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट को दिया गया था लिप्से एंड लैंकास्टर के द्वारा. अब यहाँ पे ये कहा गया थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट में कि कई बार जो है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो हम थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं. पैरेटो की अगर जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन कहा जाता है. But due to some obstacles, if it is not possible to satisfy Pareto condition, then there is a theory of second best given by Lipse and Lancaster. Theory of second best ये कहती है कि अगर one or more of the order first order conditions जो है वो satisfy नहीं हो पाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम आगे की conditions को consider करें. हम उनको नहीं consider करेंगे, उसकी बजाय हम किसको देखेंगे, theory of second best, मतलब second best solution की तरफ हम मूव कर जाएंगे. इन ऑर्डर जो आगे की कंडीशंस है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. ये हमारे पास डायग्राम गिवन है जहां पे पी
पी डैश जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, आई वन आई टू और आई थ्री जो है इंडिफरेंस कर्व्स हैं, MN जो है एक बजट कॉन्स्टेंट है जो कि अचीव करने में थोड़ा दिक्कत करता ऑब्स्टेकल है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है, फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ई पॉइंट पे है। ई पॉइंट पे क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और हमारा जो कॉनकेव है और इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पे जो पीपीएफ और जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, टेंजेंट है एक दूसरे के। तो हमारी फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन कहाँ है, ई पॉइंट पे है, बट ड्यू टू सम कॉन्स्टेंट कौन सी है, MN, ये जो MN लाइन है इसकी वजह से ये फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन जो है हमारा अचीव नहीं हो सकता है। तो हम सेकेंड बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। सेकेंड बेस्ट सॉल्यूशन हमारा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे होगा, पीपीएफ पे होना चाहिए, और पीपीएफ पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। मगर बी पॉइंट क्योंकि हमारा जो है बी पॉइंट लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, लोअर इंडिफरेंस कर्व आईसी वन पे है, इंडिफरेंस कर्व आई वन पे है, तो इसलिए बी पॉइंट हालांकि किस पे है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे है, पर फिर भी ये सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। इसकी बजाय हम ए पॉइंट को ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ए पॉइंट जो है हायर इंडिफरेंस कर्व पे है, मतलब यहाँ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार जो हमारे पास गिवन है। देखिए इन द डायग्राम पीपी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, आई वन आई टू थ्री जो है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स है, पेरेटो ऑप्टिमल जो कि हमने कहा कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे माना जाता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल्स MN की वजह से। तो अब हम क्या कहेंगे कि सेकेंड बेस्ट की तरफ जाएंगे जो कि पीपी डैश पे कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है, बट ये लोअर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे है, इसलिए पॉइंट ए जो है प्रेफरेबल नहीं है, पॉइंट ए जो है प्रेफरेबल है टू पॉइंट बी इवन इफ इट इज नॉट ऑन द पीपी वन फ्रंटियर। दिस इज बिकॉज पॉइंट ए इज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व आई टू। द सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन पोजिशन, द सेकेंड बेस्ट पोजिशन एट पॉइंट ए डज नॉट रिक्वायर द यूजल फर्स्ट बेस्ट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन एट पॉइंट ए।